पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि वे अपने 18 साल के राजनीतिक जीवन में कभी भी कुर्सी की दौड़ में नहीं रहे। वे ना तो राज्यसभा में जाने की दौड़ में हैं और ना ही मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया सेवा दल के राष्ट्रीय विशारद प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए भोपाल आए। उनका स्वागत करने के लिए राज्य सरकार के 3 मंत्री तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और प्रद्युम्न सिंह तोमर पहुंचे। सिंधिया ने कहा कि वे अपने 18 साल के राजनीतिक जीवन में कभी भी कुर्सी की दौड़ में नहीं रहे। वे ना तो राज्यसभा में जाने की दौड़ में हैं और ना ही मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं सेवा भाव के आधार पर चला हूं। संदीप सर, ये मेरा आचरण ने आपको पिछले 18 साल में दिखाया, चाहे पिछले दिसंबर का आचरण हो या आज का भी आचरण। जबलपुर में भाजपा अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कांग्रेस पर दंगे कराने के आरोप पर सिंधिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा अभिव्यक्ति को दबाती है। सिंधिया ने कहा कि कानून लाने के पहले उन्हें उसके लिए बहुमत लेना था। वीर सावरकर को लेकर जब सिंधिया से सवाल किया गया तो वे उसे टाल गए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश की आजादी में पसीने की एक बूंद तक नहीं बहाई, वे कांग्रेस को प्रमाण पत्र देंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।